बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब का पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के देखने वाले हैं जो भी छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस से हैं, आप देख सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है आज की, जो अपडेट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज 3 जून की मैं अपडेट बताने वाला हूं। और आप यहां देख सकते हैं कि यहां सिंपल तरीके से बोला गया है कि विश्वविद्यालय जो भी है, और विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी होती है जिसे हम महाविद्यालय को कॉलेज बोला जाता है, जो कॉलेज रिलेटेड होते हैं यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ बोला गया इनके संबंध जो महाविद्यालय है उनके जो एमए के स्टूडेंट है, जैसे कि संस्कृत ले रखा है एमए वालों ने और समाजशास्त्र ले रखा है, सोशियोलॉजी ले रखी है, उनका प्रथम सेमेस्टर का जो परिमाण है मतलब कि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वेबसाइट पर आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी की, www.mgkbp.ac.in पर जाकर अपलोड देख सकते हैं। आपको सिंपल तरीके से आपको यहां नहीं जाना है, मैं आपको कैसे देखना है रिजल्ट को मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर जो भी है आपका उसको ओपन कर लेना है और उस पर एक सर्च करना है paperhacker.in, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरीके से हमारी वेबसाइट खुलेगी, आप एक बार देख लीजिए उस। ठीक है, और इसको जब अलाउ मांगे तो यहाँ से अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ कर देना है और नीचे आपको जाने के बाद में आपको यहाँ जाना है यूपी की आल यूनिवर्सिटी पर। बाकी आप नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और यूपी आल यूनिवर्सिटी पर टच कर देना है। यहाँ पर टच करने के बाद में आप देखेंगे कि आप देखिए यहाँ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ये है देखिए बनारस, तो आप इस बनारस वाले पर टच करेंगे और टच करने के बाद में आप नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं UGPG वाले, यहाँ टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, डेली की अपडेट देख सकते हैं, डेली एडमिट कार्ड, यदि आपका UGPG वालों का एडमिट कार्ड जो आता है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्स फॉर्म वगैरह एडमिशन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। और रिजल्ट देखने के लिए आपको इस पर टच करना होगा, और इस पर जब टच करेंगे तो आपके सामने एक रिजल्ट खुल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर आपका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके रिजल्ट है आप देख पाएंगे, और यहाँ से फिर स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर भी आपको देख सकते हैं कि सिलेबस टाइम टेबल वगैरह, और ये है आपका रिजल्ट, आप इस पर टच करके रिजल्ट देख पाएंगे। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले हम आपको अपलोड कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।